यहाँ, मतलब वो मेरे घर भी आ सकती है? वो कुछ भी कर सकती है उस्मा, और मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे घर जरूर आएगी। अहमद, अगर आपकी वाइफ हमारे घर आ गई ना, तो हमारे घर में कयामत आ जाएगी, कहर आ जाएगा, ऐसा तूफान आएगा जो फिर कभी नहीं रुक पाएगा। मैं आज रात उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, समझाता हूँ उसे। क्या कहेंगे आप? ये तो मैं नहीं जानता हूँ कि मैं क्या कहूँगा, और ना ये जानता हूँ कि वो मेरी बात मानेगी भी या नहीं। अभी कुछ नहीं जानता। अहमद, अहमद मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं ये सब कुछ फेस नहीं कर सकती, मुझ में इतना हौसला नहीं है, नहीं है इतना हौसला मुझ में। उसमें मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, जो भी तुम पर गुजर रही है मैं समझ सकता हूँ। तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सब मेरी वजह से हैं। नहीं अहमद, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं सोचती। मैंने तुमसे कहा था ना उसमें, मोहब्बत के रास्ते इतने आसान नहीं हुआ करते, इन रास्तों पर चलते हुए बहुत कुछ फेस करना पड़ता, बदन छिल जाते हैं, पांव जख्मी हो जाते हैं। मैं जानती हूँ जो कुछ भी हो रहा है इसकी वजह आप नहीं है, लेकिन जो कुछ भी होगा उसे फेस करने के लिए तैयार हूँ मैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मेरी ज़िंदगी में जो अलाव रोशन है, जिसका नाम समीना है, उसकी रोशनी तुम तक कभी ना पहुँच सके। वो तुमसे जितना दूर रहे उतना अच्छा। I'll try my best. मैं तमाशे से डरती ज़रूर हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर बता देना चाहती हूँ कि इस मामले में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो ज़रूरी नहीं कि आप उस प्रॉब्लम की वजह हो। मैं ऐसा नहीं सोचती, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मोहब्बत की कीमत दोनों को अदा करनी पड़ती है, दोनों को अपने हिस्से की अलग अलग कीमत अदा करनी पड़ती है, मर्द को भी और औरत को भी। और जो कुछ भी होगा, जो मेरे हिस्से की कीमत होगी वो मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ। हाँ अहमद, मैं नहीं जानती कि हम दोनों की मोहब्बत का अंजाम क्या होने वाला है, शायद हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए दूसरे से दूर हो जाएं, शायद मुझे मुनीर से शादी करने पड़ जाए, या फिर शायद आपकी बीवी आपको मना कर दे और आप मेरी शक्ल भी ना देखना चाहें। मगर एक बात तो तय है, मैं आपको हमेशा इसी तरह चाहती रहूँगी और आपसे मोहब्बत करती रहूँगी, और ये भी जानती हूँ कि आप भी हमेशा मुझे मोहब्बत करते रहेंगे और चाहते रहेंगे। ये दुनिया, घर वाले, ख़ानदान, सब हमें एक दूसरे से अलग तो कर सकते हैं, मगर हमारे दिलों को कभी भी अलग नहीं कर सकते। आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ, हम दोनों के दिल हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कते रहेंगे, हमेशा धड़कते रहेंगे। बाजी ठीक ही कह रही थी कि गुल्लू जितनी जल्दी हो तो शादी कर ले,
वरना कोई ना कोई चक्कर जरूर चल जाएगा। और मुझे लग रहा है कि कोई गेम हो रही है, ऊपर से ये रुके बाजी। वाह गुल्लू, तेरा नाम गुल्लू गुलटेरिया है, दिल का बड़ा भी बैग, ऊपर से मासूम भी बड़ा है। ये रुके की खबर कि मुझे पता लग ही गई है, जबकि मैं उज़्मा से मोहब्बत करता था और मंगनी मेरी मायरा से हो गई है, तो उज़्मा वाली मोहब्बत तो खत्म हो गई है, तो मायरा को ये हरकत करनी नहीं चाहिए थी। हालांकि मायरा को पता है कि उसका होने वाला खामद हूँ, हरकत नहीं करनी चाहिए थी। वैसे ये रुके में लिखा क्या होगा, कहीं मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं हो रही। गुल्लू तकड़ा हो, तूने आज सारी रात जागना है और ये देखना है ये सब गेम क्या हो रही है। पहरा देना है अपना, अपनी मायरा का, इस घर की इज्जत का।